तो पिराग देख के जावा में घुसे, मतलब भागती है। पहले गए में मतलब जब पुल के देगी है अच्छी खासी। अच्छा स्पीडोमीटर भी ऐसी हो रही है। उस दिन मेरे पापा चलाने गए, वो पापा कह रहा अभी 100 कैसे भाग गई, नहीं भाई उल्टा चल रही 20 से भाग। आरामदायक है, लंबा सफर नहीं कर सकते। ये तो टायर्स कैसे हैं? ये सब बेस्ट में आते हैं, ये सब बेस्ट में आते हैं। हम यामा गए R15 जो V3 आया करती थी उस टाइम, वो भी एक तरह को हम बोल के आ गए थे भैया कर देना, कम दिखाती ज्यादा दिखाती है। बनाने वाला सीन यहाँ पे होता है पता है, एक तो इसका उल्टा है। हाँ ठीक है, ऊपर से भाई से पेट्रोल अभी भी है या अभी भी तो मैं दिखा रहा होगा 1/4 से कम। भाई ये साइलेंसर 2 बार चेंज करवा चुका हूँ। नहीं अभी तो नहीं, स्टार्टिंग में हुई थी वो। क्या चीज़? तुमको बुलाया भी था कि गाड़ी बंद हो गई थी। कितना दे रही है ये बाइक? नहीं ना ही पूछो तो बेटर है। क्यों? 15-16 अभी तक कितना सेटिस्फाई? इसकी कमियां तुझे क्या क्या लगी पहले मुझे वो बता। देखो मैं कमियां ना उंगलियों पे। हे बॉयज वेलकम बैक टू द चैनल। रॉयल इनफील्ड को भाई टक्कर देने के लिए अगर कोई कंपनी है, अगर आप स्पेसिफाइड देखोगे तो भाई मुझको लगता है कि जावा जो है वो काफी अच्छी खासी टक्कर देती है रॉयल इनफील्ड को। रॉयल इनफील्ड जो कि अपने सेगमेंट की काफी ज्यादा किंग है, हर बंदा बिना सोचे समझे भाई एक बार में ही डायरेक्ट बुलेट को बुक करना ज्यादा पसंद करता है कि भाई बेस्ट है, काफी टाइम से चली आ रही है। बट एक ऐसी कंपनी जो कि मतलब काफी टाइम पहले थी बट इसको दोबारा से एक तरीके से कहते हो, तो अगर आप एक तरीके से कहोगे कि रीबॉर्न मतलब दोबारा से जन्म लिया है जावा ने एक तरीके से, तो अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे रही है। लुक वुक्स जो भी है काफी ज्यादा बढ़िया है। बट आज मैं पर्सनली अपनी एक्सपीरियंस नहीं दूंगा, एक ओनर का एक्सपीरियंस दिलाने वाला हूँ कि ये बाइक उसके लिए कितनी ज्यादा अच्छी साबित हुई। अगर उसने रॉयल इनफील्ड को छोड़ा और इसको चूज किया तो क्या ये एक अच्छा डिसीजन था या नहीं था, तो बात करते हैं उस चीज के बारे में। और बाकी जैसे मैं आप लोगों को कहता कि काफी पुरानी कंपनी है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 1929 काफी अच्छा खासा मतलब टाइम होता है, तो उस टाइम से ये कंपनी जो है वो बहुत पहले आया करती थी। मतलब पूरी एक साइकिल टाइप की बाइक हुआ करती थी ये, तो इसके बारे में बात करते हैं। और बेसिकली ये जो है ना ये थोड़ा कुछ स्पेशल एडिशन टाइप कह सकते हो, जावा 42 क्लासिक लेजेंड्स करके है। और इसका जो लुक वुक है वो मुझे काफी पर्सनली मतलब अच्छा लगता है। तो वो सारी चीजें छोड़ते हैं और बुलाते हैं इसके ओनर को। तो भाई इस बाइक को जो है लगभग 1.5 साल हो गए हैं और ये बाइक जो चली है वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। लगभग 4000, थोड़ा जो इसका राइडर है वो थोड़ा कम ही चलाता है इस बाइक को, तो 4000 किलोमीटर के आसपास में चली है। बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये रहे अपने दोस्त रूप, कैसे हो भाई? बढ़िया। तो ये देखो आपको एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं जावा का, क्योंकि ये भी काफी बार इस बाइक को जो है वो चलाते हैं। और तो भाई जावा लेने का कैसे प्लान बना था ये हम लोगों से काफी मतलब बहुत ज्यादा ना कंफ्यूजन चल रहा था इस बाइक को लेने के लिए। कभी R15 पे शिफ्ट हो रहे थे, कभी हम KTM पे शिफ्ट, हमने 6-7 शोरूम देखे थे। हाँ हाँ ब्रांड के देखे थे, इवन रॉयल एनफील्ड के हम 650 भी एक बार को। हाँ बजट की कोई दिक्कत नहीं थी, बट हाँ जो मुझे उस समय चाहिए थी उस बाइक, कोई सी भी मिल जाए बाइक चाहिए थी। हम यामा गए R15 जो V3 आया करती थी उस टाइम, वो भी एक तरह को हम बोल के आ गए थे भैया कर देना। बट हम तो पिराग देख के जावा में घुसे, पहला कॉल तुम्हें किया था, तुमने बोला अच्छी है। हाँ, बट वो सिंगल सीट की वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम था, तो उसमें वो सिंगल सीट थी इसलिए होने पाया। तो ये भी पसंद आई, चला के देखी अच्छी लगी। हाँ, ले ली। अच्छा बुलेट का तुम बता रहे थे कि बुलेट ना लेने का क्या रीजन था ये बताओगे एक बार? मुझे RE में बुलेट नहीं चाहिए, बहुत कॉमन है। मैं गया था GT 650 लेने गया था, कॉन्टिनेंटल देखने गया था, इंटरसेप्टर भी देख के आया था मैं, बट फिर वो अवेलेबल नहीं थी उसकी, तो फिर वेटिंग। हाँ, उसमें थोड़ा सा वेटिंग टाइम लगता है, तो वेटिंग इसकी भी थी। दो शोरूम चेंज किए थे मैंने, याद तुम्हें बताया भी था। हाँ 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 तो देखो ना रॉयल एनफील्ड ना लेने का एक मेन रीजन मैं कहूँ तो मतलब काफी कॉमन हो गई थी, इस वजह से तुमने सोचा कि कुछ अलग ट्राई करके देखते हैं। तो चलो भाई देखो इस रीजन से जो भाई ने बुलेट ली थी, ये बाइक ली कितने की थी? ये ली थी 2,11,645 रुपए। याद है पता है क्यों? क्योंकि हम लोगों ने डिलीवरी पूरी डाली। तो भाई अगर आप लोगों को डिलीवरी वाली वीडियो देखनी है तो वो भी मिल जाएगी चैनल पे, बकायदा इस बाइक की हम लोगों ने डिलीवरी डाली थी, तो वो चीज देख लेना। अच्छा भाई मैं सबसे पहले सवाल ये करता हूँ, जावा ले ली ठीक है, एक अदर ऑप्शन जो है रॉयल एनफील्ड से हट करके चूज किया, अभी तक कितना सेटिस्फाई? इसकी कमियां तुझे क्या क्या लगी पहले मुझे वो बता। देखो मैं कमियां ना उंगलियों पे गिनवा सकता हूं। कमियां हैं मतलब इस बाइक में? सच बता रहा हूं, कमियां उंगलियों पे गिनवा सकता हूं, बट मैं उस कमियों को एक बार को दरकिनार कर सकता हूं, बस एक कमी को छोड़ के, उसका हीटिंग इशू। अच्छा हीटिंग इशू, हीटिंग बहुत ज्यादा है। एक शायद हमारे ग्रुप में एक वर्ड यूज होता है छोटा हीटर। अच्छा छोटा हीटर नहीं है भाई, बहुत बड़ा वाला हीटर है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब हीट करती है अच्छी खासी। हाँ तो मतलब ये तो चीज़ है, देखो ये इसको छोटी सी थोड़ी बहुत गलियों में चला लो या मेन रोड पे भी चलाओगे ना हीटिंग इशू है। देखो अभी हम इसे चला करके लाए हैं फिर भी यहाँ पर हाथ कर रहा हूँ ना तो पता चल रहा है कि हाँ हीट जो है वो निकल रही है। उसके अलावा हाँ वो तो खैर वो तो फैन जो रेडिएटर है वो लगा ही इस वजह से है। अच्छा तेरा ये मतलब हीटिंग का इशू हो गया, उसके अलावा कुछ और प्रॉब्लम जो है तेरे को झेलना? ग्राउंड क्लियरेंस वो क्यों? बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। तो ये देखो भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कुछ इस टाइप की देख सकते हो, क्यों मतलब लगती होती है क्या ज्यादा ब्रेकर्स? हाँ, लगती है बिल्कुल, मतलब ये है कि ये डंबल वाले ब्रेकर्स होते हैं। हाँ तो भी तुम्हें धीरे करनी पड़ेगी, ये बोल देगी भाई धीरे कर दे। दो सिंगल बैठे रहोगे तब भी मेरे जैसा चलो एक बार चल जाएगा, थोड़ा हैवी जैसे मैं उस टाइप का समझ सकते हो। तो मतलब इसका ग्राउंड क्लियरेंस का पंगा है भाई, ये चीज है। और थोड़ा मैंने भी देखो इस बाइक को ऑब्जर्व किया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा है जो मैं हाँ में हाँ मिला रहा हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया ये चीज होती है। उसके अलावा
सीट के बारे में थोड़ा सा बता क्या कहना चाहता है। ये सिर्फ दिखने में आरामदायक है, लंबा सफर नहीं कर सकते इस पे। सच में भाई मतलब ये देखो ऐसे लगी कितनी प्यारी सी है, जूको दबा के देखो दबती नहीं है भाई। ये तो चीज है भाई, ये मतलब थोड़ी ना अनकंफर्ट, मतलब देखो चौड़ी में पूरी पूरी है और मतलब सॉफ्टनेस भी है, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टनेस नहीं, बट ये बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करा था। टाइम के लिए नहीं मतलब, हाँ ये मान लो अगर 30 किलोमीटर भी चला दी ना उसके बाद बोल दे भाई मेरे को थोड़ा साइड में रोक के मुझको आराम दे दे, मुझको आराम दे, तुमको आराम मिले ना मिले मुझको दे दे, ये चीज है। अच्छा भाई चलो, ये तो चलो ये सारी चीजें होगी प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब बात करते हैं मेन इसकी सारी फीचर्स इस के बारे में और बाकी सारी चीजों के बारे में। इस बाइक के अंदर अभी आपको मेनली कोई मतलब इंजन वाइज प्रॉब्लम या फिर बाइक से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम फेस करने को मिली है? नहीं अभी तो नहीं, स्टार्टिंग में हुई थी वो सारी। क्या चीज को बुलाया भी था कि गाड़ी बंद हो गई थी। अच्छा अच्छा, वो इसका ट्यूब एक फूक गया था अंदर का। ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, तो जो फ्यूज था वो मतलब फेल हो गया था, तो इस वजह से स्टार्ट नहीं हो रही थी बाइक। उसके अलावा कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं आज तक? नहीं आज तक कोई नहीं आई है। चलो भाई ये चीज ठीक है। माइलेज कितना दे रही है बाइक? नहीं ना ही पूछो तो बेटर है। क्यों? 15-16 बस। देखो इसका थोड़ा सा रन जो है ना वो आउट ऑफ दिल्ली कम ही रहता है, मतलब दिल्ली के अंदर ही अंदर ज्यादा रहता हो, थोड़ा बहुत गली गलों में चला हो तो 16-16 का दे देती होगी, बाकी हो सकता है आप लोगों का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अलग हो। और उसके अलावा मैं अगर मैं पूछूं इस बाइक के अगर टायर्स के बारे में अगर बात करी जाए तो टायर्स कैसे बहुत, ये सब बेस्ट में आते हैं। ये सब बेस्ट में आते हैं टायर्स हो गए। ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना है? गिनवाऊंगा मैं, अगर अच्छी चीज पूछोगे ना तो गिनवाऊंगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी। अच्छा ब्रेकिंग के बारे में क्या कहना है? एक नंबर। कितनी भी तेज चला लो, मेरे जैसा बंदा है ना ठीक है, इतना रश ड्राइविंग करता हूँ स्टिल मैं ब्रेक मारता तो कॉन्फिडेंस। अच्छा एक बात बताओ, जैसा ये जावा है तो नॉर्मली अगर मेरा मानना है कि बुलेट से ज्यादा इसके अंदर पावर आती है, तो इसका परफॉर्मेंस लाइक वेट में बहुत ज्यादा भारी है लगती हाँ। है तुमको ये कि मतलब जैसे फील दिलाती है कि हाँ यार भारी बाइक है? बिगनर्स को लगेगी, पक्का लगेगी। अच्छा अच्छा, जब फ्यूल नहीं पीछे को, पर एक बार को एडिक्ट हो जाओगे ना भाई मेरे को यही चलानी है, तो भाई तुम स्ट्रेच भी मारोगे ना तो भी कहेगा अरे बहुत हल्की, बहुत हल्की है, तो मतलब पावर का फील होता है जैसे लाइक बहुत तगड़ी पावर है, मतलब भागती है। पहले गए मतलब जब पुल गिरते भाई हाँ देगी अच्छी, अच्छा खासा देगी। अच्छा भाई इसकी सर्विस कितनी करा ली जाओ तूने, क्या कहते रूप? चार सर्विस हो गई है। कितने रुपए में हुई होगी सर्विस? 2000 से ऊपर ही हुई है, अभी अभी तक नहीं गई। 2000 से ऊपर एक भी नहीं है। लास्ट वाली आई थिंक हमारी है 2085 की, हाँ इतनी 85, मतलब भाई 2000 के आसपास में मान सकते हैं। तो ये अभी सारी फ्री होंगी ना शायद, चार सर्विस तो फ्री है अभी, बची मेरी फ्री अभी। अच्छा अभी एक और बची हुई है, तो मतलब वही अप्रोक्स 2000 अगर नॉर्मली मैं देखूं तो मान लो 700-800 रुपए लेबर चार्ज लेंगे तो 3000 के आसपास। तुम इतना अंदाजा लगा सकते हो, आज तक मैंने उसे किलोमीटर से नहीं लगाई, मैंने महीने से लगाई है उसकी सर्विस। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये आज तक पूरे नहीं हुए। हाँ किलोमीटर तो देखो भाई मैंने आपको बोला है कि 4000 चलिए, तो इसका वो वैसे कैसे पूरा होने वाला है। तो अच्छा सर्विस का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा है जावा में वहाँ का, मतलब लोग सुनवाई जैसे बहुत मेरा अच्छी तरह सुनते हैं, मतलब जो भी तुम्हें प्रॉब्लम आती है तो उस चीज के ऊपर मतलब वर्क करते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है कस्टमर को तो इसको एकदम प्रॉपर सही करके देना। बहुत प्यारी है वहाँ पे, मतलब जो बंदे डीलिंग वाले हैं ना हाँ। बहुत अच्छे से डील करते हैं। अच्छा आज कभी मैं इतनी बार भी गया हूँ हाँ। कभी भी ऐसा नहीं हो कि मतलब ऐसा बोल दिया, जो टाइम पे बोलेंगे वो टाइम पे। अच्छा इसका कोई पार्ट्स वार्ट्स कुछ चेंज हुआ है लाइक जैसे कि क्या कहते हैं ब्रेक शू हो गया या हाँ, कोई ऐसी चीज? हाँ ये साइलेंसर दो बार चेंज क्यों आ चुका है? ये साइलेंसर वो क्यों? दोनों साइलेंसर बल्कि वो क्यों? क्रोम होता है ये उतर जाता है भाई, इसका पेंट उतर जाता है, यहाँ से उतर जाता है और यहाँ से उतर गया था। अच्छा अच्छा, ये दोबारा उतर रहा है, मैंने दोबारा कंप्लेंट डाली है, एक और डालेगा साइलेंसर। ठीक है ठीक है, तो दोबारा बोला उन्होंने डालने के लिए, डाल देंगे डाल देंगे। तो ये जावा अगर आप लोग देखो, ये चीज तो खैर मैंने भी देखी थी, यहाँ से उतर रहा था शायद हाँ, ये जो ये वाला पोर्शन एक यहाँ से उतर गया था आराम से, इसका यहाँ से उतर गया था, यहाँ से उतर गया, यहाँ से उतर गया था। तो देखो ये चीज का जो प्रॉब्लम है भाई वो फेस करने को मिलता है। चलो ये तो ऐसी चीज है ना कि देखो ये पानी वानी में भी जाती रहती है, थोड़ा बहुत रस लगता है, बट हाँ कंपनी अगर इसे थोड़ा और अच्छा कर दे, कंपनी वाले तुरंत बोल देते हो जाएगी, मतलब कोई कोई बोल दिया आपकी कोई दिक्कत नहीं, हम बदल देंगे, हम बदल देंगे। और ब्रेक शू के बारे में जो बता रहे थे उसका कितने प्राइस में चेंज हुआ था? आई थिंक मुझे 500 रह लेते, महंगा लगा था सस्ता लग रहा था? सस्ता ही, मैं तुम्हारे साथ ही कहता था, मुझे प्रशांत ने आज भी याद, मुझे प्रशांत तो इसके बहुत सस्ते कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, मतलब ठीक ठाक है बोल देते हो, लेकिन देखो यार मेरे हिसाब से ना ब्रेकिंग अच्छी है ना, तो 500 या 600 भी ले लेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि उतना है, क्योंकि मैंने इस बाइक को पर्सनली चलाया, ब्रेकिंग में तो एक नंबर है। अगर ऐसी ब्रेकिंग हमारी R5 और RS 200 में मिलने लगे ना तो मजेदारी एक मतलब अलग लेवल की रहेगी भाई। लॉन्ग टूर वर्क किया मतलब कुछ लंबा अभी आज तक चला है? अभी तक नहीं किया है। सीट के बारे में तेरा क्या मतलब एकदम भाई, मैं यहाँ चलाता हूँ तब बोल जाता हूँ भाई, दोनों का है या सिर्फ और सिर्फ राइडर का है? नहीं इतने पे ये और इतने पे ये। अच्छा ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, इतना मैं बैठूंगा नहीं, इतना मैं बैठाऊंगा नहीं, ये भी बात है भाई। तो ये चीज का जो है प्रॉब्लम है। अच्छा इस बाइक के अंदर फ्यूल का कुछ प्रॉब्लम करता है तो हमेशा बोलता रहता है कि यार पता नहीं फ्यूल कम दिखाती, ज्यादा दिखाती है, बनाने वाला सीन यहाँ पे होता है पता है, इसका उल्टा है
ठीक है, ऊपर से भाई से पेट्रोल अभी भी है या अभी भी तो मैं दिखा रहा होगा 1.47 से कम, देखो जीरो के पास में पहुंच रहा है, ये तो बंद है इसलिए अभी ऐसे अभी चालू नहीं, चालू तो है बाइक नहीं, अभी स्टार्ट करोगे ना, स्टार्ट करने पे होती है तब आएगा मजा, तब ये आधे पे आएगी, आधे पे आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी, मतलब ये मतलब एकदम एक्यूरेट नहीं दिखाते एक तरीके से, ये सही नहीं है। लाइट के बारे में क्या कहना है, रात वात में तो चला जैसे खेलो जो ना बहुत अच्छा करती है, बहुत अच्छा है, डिलीवर करती है, अच्छा करती है, मतलब रोड अच्छे से वो जो है दिखाती है, तो ये चीज है। शॉकर सस्पेंशन के बारे में क्या कहना है, झटका कैसे है, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं अभी शायद तुमने देखा भी होगा सर्कुलर वाली रोड, भाई वहां ले गया हूं मैंने, पैर जमीन पे नहीं रखे, अच्छा मतलब सस्पेंशन अच्छा है, बहुत सही, बहुत सही है, चलो भाई ये चीज भी बढ़िया। अच्छा भाई इसके साथ ये बता, देखा अभी ना हम लोगों ने कुछ टाइम पहले एक जावा पिराक वाले बंदे से पूछा था कि उसमें तुम्हें वाइब्रेशन लगती है, तो उस बंदे ने कहा कि नहीं हम मुझे वाइब्रेशन बिल्कुल भी नहीं लगती, नहीं ऐसा नहीं है, इस बाइक में क्या है वाइब्रेशन दोगे तो इस पे पता चलता है बस थोड़ा सा, ये जो ये क्या कहते हैं ब्रेक्स, ब्रेक्स पे बहुत कम यूज करता हूं, मतलब लाइक तेरे को वाइब्रेशन लगता है कि हाँ इसके अंदर है वाइब्रेशन, उतनी मैं बिल्कुल ना ही दूंगा, मैं भी ना ही दूंगा, अच्छा ना ही देगा, मतलब ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत ज्यादा देने पे तो यार कोई सी भी गाड़ी देगी यार, हाँ नहीं देखो वो तो देखो चलाने के ऊपर यार, सिंपल सी बात है, हाँ 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 ठीक है, अब तुम झट झट गियर डाउन करोगे तो तुम कितना महंगी बाइक ले लो, महंगी बाइक ले लो वो तो खैर है। राइडिंग कम्फर्ट कैसा है इसका, लाइक हैंडलिंग और मैं अगर कम्फर्ट, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त है एकदम जबरदस्त, रोड प्रेजेंस तो देखो मैं सच बताऊं ना पर्सनली ये जिसके अलॉयज है ना जो मतलब स्पोक टाइप के जो अलॉयज हैं ये काफी ज्यादा पर्सनली अच्छे लगते हैं, डुअल एग्जॉस्ट इसके लिए तो देखो अजय देखी तरह रस्टिंग बोल रहा था ना ये देखो, उधर की तरफ नहीं है इधर देखो रस्टिंग आ रही है ये देखो, तो ये चीज है यहाँ पर रस्टिंग जो है वो आ जाती है, तो चलो खैर इसे तो चेंज करा लेगा भाई, जब कस्टमर फीडबैक इतना अच्छा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम आई तेरे को बाइक में कुछ भी नहीं अभी तक, ऐसा चैसी कोई फीचर वीचर की कमी लगती है कि यार कोई फीचर्स इस बाइक में होने चाहिए, मैं इसे उम्मीद भी क्यों ही करूं भाई, स्पोर्ट्स बाइक तो है, हाँ हाँ रेट्रो है ठीक है, जितना दे रही है अच्छा है बस, हाँ क्लासिक टाइप के कह सकते हो ना, कह दे यार किसको, इसको सीधा कह दे यार, अच्छा इसको ये जो ये है क्या कहते हैं फ्यूल का गेज भाई, ये स्पीडोमीटर भी ऐसी हो रही है, उस दिन मेरे पापा चलाने गए, पापा कह रहा अभी 100 कैसे भाग गई, नहीं भाई उल्टा कर ली 20 हाँ इसका 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 ये जो सिस्टम है देखो इसका उल्टा है, यहाँ से स्पीड स्टार्ट होती है 20-40 तो ये ऐसा लगता है कि 100 चली गई, बट ऐसा है नहीं, नॉर्मली मेरे बापू डर गया मेरी और फट गई, बिल्कुल भाई, तो उसके अलावा मतलब ऑलमोस्ट अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, नहीं है बेस्ट है बिल्कुल, बस वही ये जनरेटर, हाँ हाँ ये ग्राउंड क्लीयरेंस, तो भाई देखो ये कुछ पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था, कुछ रिकमेंडेशन होगी जावा को कि अगर उसके अंदर इस बाइक में कुछ सुधारना है तो क्या चीज, इसको साइड स्टैंड हटा दे, साइड स्टैंड, अच्छा ये वाला पड़ेगी ये जो बीच वाला है, हाँ क्यों नहीं सेंटर स्टैंड, सॉरी सेंटर स्टैंड, हाँ सेंटर स्टैंड हटा दे भाई, क्यों नहीं भाई ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है ऐसा क्यों, मैंने आज तक खड़ी नहीं की यार, हम तो अपने R15 में ढूंढते रहते हैं जब हमें ल्यू व्यू कराना होता है, मैंने आज तक खड़ी नहीं की, लीन नहीं कर पाएगा ना, अच्छा एक तो लीन नहीं होती, ठीक है ऊपर से स्टैंड इसमें वो कट नहीं है, पावर कट नहीं है, अच्छा अच्छा वो जो साइड स्टैंड कट ऑफ, ठीक है ठीक है, बस दो इसलिए मेरे को एक चाहिए नहीं, ग्राउंड क्लियरेंस का तो देखो भाई यार वो चीज डिपेंड करती है थोड़ी सी, इसका जो व्हील बेस है ना तो बढ़ेगा, हाँ वो तो है क्योंकि ये जो चीज है ना नीचे से वो काफी ज्यादा नीचे है, बट इसका ब्रेकर तो फिर बच ही जाएंगे इससे, तो देखो भाई ये था पूरा का पूरा ओवरऑल एक क्या कहते हैं रिव्यू जो कि आप लोगों को मिल गया होगा, मे भी शायद आप लोगों के मतलब की रही होगी ये वीडियो, अगर आप लोग भी लेना चाहते हो तो कुछ प्रॉब्लम्स है जो कि पर्सनली मेरे को भी लगता है, एक सीट है, एक आपका ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि पर्सनली भाई अच्छा खासा इसका ना मतलब थोड़ा सा इरिटेट करता है, और हीटिंग इश्यू बहुत है, नॉर्मल चलाओगे सर्दियों में चलाओगे तो तीन ही है, ठीक है मुझे पता है हीटिंग का कुछ नहीं कर सकता, तो चलो भाई यही था वीडियो, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो।